नेट स्लो की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, पता नहीं पता नहीं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं हम। हाँ और यहाँ पे मैं आपका डाल देता हूँ स्टील, राइट? आज के लिए और 5 मीटर में और किलोमीटर में यूनिट ले लेता हूँ इसको फिनिश कर। तो आपका देखो ये बना है, इसमें मैं ग्रेड को चेंज करके कर देता हूँ यहाँ पे 12, राइट? और ओके, यहाँ से 5 मीटर तक हम ऐसे गए और 7 ऊपर हाइट में गए, फिर आप नीचे और इस तरह से आपने इसको ड्रॉ किया, ठीक है? एक तरह से मैं इसमें स्टील स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसका, इसको ऐसे करके ज्वाइन किया और फिर इसको ऐसे करके मैं 3 कॉलम दे दिए इसमें, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब मैं क्या करता हूँ इसमें यहाँ पे 3 वो दे देता हूँ नोड ट्रस बनाने के लिए। तो इंसर्ट नोड के ऑप्शन से नोड ले सकता हूँ और एन नंबर डाल दिए मैंने 3 और इसको कर दिया ये राइट। सेम इस साइड भी ओके 3 और यहाँ पे ये ओके। अब नीचे एक मिड पॉइंट पे भी चाहिए तो ऐड मिड पॉइंट, ठीक है? ऐड मिड पॉइंट नहीं, 2 पे कर देते हैं इसको। सर मिड पॉइंट भी तो ऑलरेडी है ना सर? नहीं यहाँ पे कहाँ, इस वाली मिड पॉइंट पे कहाँ है? अच्छा अच्छा इसके भी 2 कर देते हैं, मिड पॉइंट वाली को हटा देते हैं। एड ओके, ठीक है? और इसको भी 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? अब इसको ऐड कर देते हैं ऐड बीम्स। एक आपने इसको ऐसे कर दिया, एक आपने ऐसे कर दिया, और एक इसको आपने ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है? गलत हो गया ये बीच वाला, छूट गया सर। हाँ वही तो, दोबारा सही करते हैं। एड बीम देते हैं और इसको यहाँ से एन नंबर कर देते हैं 3, एड एंड पॉइंट और इसको मिड पॉइंट पे करते हैं, राइट? अब क्या करते हैं इसको यहाँ से एड बीम पॉइंट लिया, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते हैं और ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं इसको, ऐसे, ठीक है? फिर यहाँ पे ऐसे और इसको फिर से ऐसे, राइट? अब इसको नीचे क्या करते हैं, सपोर्ट लगाते हैं इसको। तो सपोर्ट पे गए और यहाँ से क्रिएट सपोर्ट लिया और ऐड करा के नीचे वाले सपोर्ट्स पे यहाँ पे सपोर्ट लगा देते हैं। सर तो इस पे भी सिंपल सपोर्टेड ही रहेगा? ये स्टील स्ट्रक्चर है ये तो तुम्हारा, और कौन सा रहेगा बताओ? नीचे से फिक्स करोगे कि नहीं? अगर सर एक साइड ही अगर रहता है सर, रोलर फिर आ गया तो सर? रोलर लगाओगे तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे क्रिएट करते हो आप तो यहाँ पे आपका पिंड में तो वो रहता है कि आपका फोर्सेस लगी रहती हैं, जैसे कि आपका वो रहता है यहाँ पे दलदली इलाका रहता है पानी वाला, जैसे कि आपका वो बनता है ब्रिज वाटर वाला। हाँ सर, नदी के ऊपर उसमें पिंड लगती है। हाँ फिक्स्ड बट में देखो ये है, जैसे कि अगर आपने एक तरफ से उसको रिलीज कर दिया FX से, तो FX का मतलब क्या है, वो FX डायरेक्शन में रोलर लग गया आपका, तो उस डायरेक्शन में वो मूवेबल रह सकता है, ठीक है? हाँ सर। तो कैंसिल कर देते हैं इसको, असाइन करा देते हैं, यस। अब इसको क्या कराना पड़ेगा, ट्रांसलेशन रिपीट,
इसको सिलेक्ट किया पूरे को, ट्रांसलेशन रिपीट पे क्लिक किया और जेड डायरेक्शन में करना पड़ेगा, और इसको ले लो 5 और डिस्टेंसिंग दे दो बीच में 10-10 फुट की, यानी कि 3 मीटर पे, 3 मीटर के 3.5 कर दो, ठीक है। और लिंक स्टेप मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अलग तरीके से उनको ज्वाइन करना है। ओके सर, और इसको कर देता हूँ मैं ओके। तो देखो ये हो गया आपका, हो गया कि नहीं रिपीट? ऐसा ही तो आपका वेयर हाउस बनता है। वेयर हाउस का मतलब समझते हो ना, जो टीन शेड आपकी मैकेनिकल कंपनीज होती हैं, कुछ इसी तरह से आपकी बनती है सर, जो उनका वो जो, जो। और अब क्या करो, इसका व्यू चेंज करके अब इसमें कनेक्शंस दे दो, जैसे कि आपको नोड सेलेक्ट कर लो इसकी, ये नोड है इसकी, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये और आपका ये नोड, ठीक है, सारी नोड सिलेक्टेड हो गई। देखो अब इन नोड्स पे आप बीम डाल दो, कनेक्टिंग अलोंग द अलोंग जेड एक्सिस, तो आपके देखो ये बीम्स क्रिएट हो गए इस तरह से। हाँ सर, अब लग रहा होगा आपको कि भाई ये वेयर हाउस है। हाँ सर, राइट। अब तो सर वहां से आप लिंक डाल देते सर तो हो जाता ना सर? ना, लिंक हो जाता, लेकिन क्या होता उस केस में, आपके नीचे वाले नोड भी तो कनेक्टेड हो जाते। हाँ सर, उसमें तो सारे नोड टू नोड कनेक्ट हो जाते हैं ना, लेकिन मुझे सिर्फ ऊपर वाले ही करने थे, इस वजह से मैंने ऐसा किया। अब देखो इसमें अब आपका काम क्या बचता है, आज के लिए नहीं आ रही सर। अब इसमें आपका क्या काम बचता है बताओ? अब इसमें लोड लगाना सर। नहीं, लोड लगाना, उससे पहले तो प्रॉपर्टी लगाना बचता है ना आपका, प्रॉपर्टी। हाँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे और यहाँ से कहाँ पे जाओगे, सेक्शन डेटाबेस में, सेक्शन डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल के आएगी। आ गई? हाँ सर। अब इसमें देखो होता क्या है, आपके पास में सारे के देखो, स्टील, कोल्ड फॉर्म स्टील, टिम्बर, एल्यूमिनियम, ये मटेरियल्स हैं आपके, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम भी ले रहे हो तो वो भी तो आपका स्टील स्ट्रक्चर ही होगा, स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो हमने स्टील चूज कर लिया, और यहाँ से देखो हर एक कंट्री का आपको इंडियन चूज करेंगे, हम यहाँ से इंडियन भी यूज कर सकते हैं, और आपका टाटा भी है और जिंदल भी है, तो ये इंडियन कंपनीज है, तो इनका भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं जो कॉलम ले रहा हूँ वो आई शेप ले रहा हूँ, ठीक है। कॉलम्स की शेप ले ली मैंने आई शेप, और यहाँ से देखो आपके पास में ये है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ये आई है आपका आई शेप है, और इसको कर देता हूँ ऐड। हो गया सर, कैसे जानेंगे कि वही इसका ये आई शेप है? कैसे जानेंगे, ये सारी की सारी देखो हमने सिलेक्ट किया ना आई शेप पे, हाँ, तो ये आई शेप के आपको वो दिखा रहा है ऑप्शंस कि उसकी थिकनेस कितनी है, उसके बीच की शेप कौन सी है, ये सारी चीज आपको यहाँ दिखा रहा है। तो इसमें तो अपन सर कुछ भी ले सकते हैं ना, वो तो आपके डिपेंड करेगा ना कितनी थिकनेस और कितनी मोटी लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग तो चूज करोगे लोड के अकॉर्डिंग। तो कैसे सर इसमें इस पता करेंगे जितना थिकनेस है क्या करनी है? टेबल देखोगे तो ये आपका आ गया ना, देखो टेबल में आपको ये चूज किया आपने, अच्छा इसमें देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा है आपका ये है, ये उसकी डी डेप्थ दिखा रहा है आपकी इतनी है, ये आपका उसका है विड्थ इतनी है, फिर आपका ये है आपका थिकनेस, ये TW का मतलब होगा साइज से थिकनेस ऑफ, ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, ये थिकनेस ऑफ विड्थ है, विड्थ है, और ये आपका IZ
मतलब आई की थिकनेस जेड में, नहीं ये आपका एरिया है ठीक है, आई एक्स, तो ये हर एक वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है देखो, उसी के अकॉर्डिंगली आप चूज करोगे राइट। हाँ सर, इसको ऐड करा दिया। दूसरा मैं बाकी के लिए ले लेता हूँ यहाँ से, क्या एंगल शेप ले, एंगल शेप में मैं ले लेता हूँ कौन सा आपका, यहाँ से चूज कर लेता हूँ 75 75 10। जैसे एंगल आपका एल शेप में होता है तो एक लेंथ उसकी 75 की है, दूसरी लेंथ भी आपकी 75 की होगी और जो उसकी थिकनेस होगी वो 10 की होगी। और इसको करा देता हूँ ऐड और क्लोज करा देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करो और असाइन करो, एक तो ये कॉलम्स आपको लेने हैं सारे के सारे। आई शेप में आ गए थे वो आपके कॉलम, और इसको सिलेक्ट टू असाइन कर दो राइट, और इसको बाकी सब पे लगा दो। बाकी सब है आपके ये है, आपका ये है और ये है ठीक है। तो आप देखो इसमें कोई, हाँ एक ऊपर वाला छूटा हुआ देखो ये, इसको फिर से चेंज कर लो और ऐसे करके सेलेक्ट कर लो। तो आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि मेरा कोई भी सेक्शन बिना उसके रह ना जाए। तो इसको क्या करो, यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड भी और असाइन करा दो, तो ये भी लग गया देखो। अब प्रॉपर्टी भी हमारी लग गई। हाँ सर, अब क्या बचा, अब लोड लगाना। लोड लगाना, लोड के लिए यहाँ जाओ। तो सर मटेरियल जो लोड के बगल में मटेरियल है सर, वो कहाँ यूज़ करते हैं ये? हाँ? जैसे कि अभी तो आपके पास में ग्रेड वाले मटेरियल मिल रहे हैं, अगर आपको कोई नया मटेरियल बनाना है तो इसमें आप उसके वैल्यूज दे करके नया मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से इसमें लाइव लोड तो आएगा नहीं आपके इसमें? नहीं सर, इसमें तो सिर्फ डेड लोड ही आएगा। डेड आपने चूज कर लो और ऐड कर दो। और डेड में सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट, हाँ सेल्फ वेट को ऐड करा दो। दूसरे नंबर पे इसमें आएगा आपका क्या, ये नोडल नोड, क्योंकि इससे नोडल नोड क्या होता है सर? वो सिर्फ एक नोड पे ही एक्ट करता है, बीम पे नहीं करेगा। ओके ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ से, मान लो कि अब इसके ऊपर चद्दर डालोगे ना आप तीन सेट, तो उससे नोड से ही तो उसको कनेक्ट करोगे वहां पे। हाँ सर, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से यूनिट चेंज करता हूँ क्योंकि मैं उसे 50 kg लगाना चाहता हूँ। यहाँ से चूज कर लो आप क्या केजी किलोग्राम, और फिर से आप लोडिंग में जा करके और डेड लोड को सेट करके यहाँ से चूज कर लो क्या नोडल लोड। ये रहा ऊपर आपका, और F5 में लगेगा तो -50 kg लगा दो, काफी है 50 kg तो। हाँ सर, और ऐड करा देते हैं इसको और इसको असाइन टू व्यू कराते हैं। असाइन टू व्यू सेलेक्ट नहीं हुआ, और इसको ऊपर लगाना पड़ेगा ऊपर वाली नोड्स पे सिर्फ। इसके लिए व्यू चेंज करो और ये नोड सेलेक्ट कर लो आप, ये वाली। नोड हो गई और असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स पे क्लिक करके असाइन कर दो। तो देखो लग गया नोड आपका। अब आपका लोड भी लग गया इस पे, अब क्या बचा आपका, एनालिसिस एंड प्रिंट। और यहाँ से एनालाइज करा दें इसको। आपको एनालाइज देखो ठीक है। अब इसकी व्यू आउटपुट फाइल में आप चेक कर सकते हो कि कितना कितना आपका वो उसमें बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स आ रहा है ठीक है।
राइट भाई? हाँ सर। हाँ अब क्या करो, इसमें फिर से इसकी केजी में न्यूटन में ही वैल्यू कर लो ताकि आपको वो दिखा दे सही से। अब क्या करो यहाँ से एनालिसिस करना सर, एक चीज बताइए सर, आप ये जो लिंक बताइए कहाँ से लगा है? क्या चीज? आपकी आवाज नहीं आई। ठीक है अब देखो एनालिसिस हो गई, अब क्या बची है डिजाइन। तो डिजाइन के लिए डिजाइन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से चूज करना पड़ेगा क्या, स्टील। स्टील और यहाँ से स्टील का कोड कौन सा होता है आपका? IS 800। IS 800 चूज कर लिया आपने। और यहाँ से डिफाइन पैरामीटर्स में जा करके FYLD चूज कर लो। तो ये आपका वो 415 का हम यूज करते थे कंक्रीट में, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 250 का, और इसी को ऐड करा देते हैं बस। और फिर जाते हैं कमांड में, कमांड में से हमने सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें से चेक कोड, फिर करेंगे आपका यहाँ से मटेरियल टेक ऑफ, फिर करेंगे सिलेक्ट, और फिर करेंगे ये वाला टेक ऑफ। ये चार चीजें इसमें से ऐड कर लो, चेक ग्रुप, चेक कोड, मेंबर टेक ऑफ, सिलेक्ट और जस्ट लास्ट में टेक ऑफ, राइट। और इसको कर दो क्लोज। अब यहाँ पे ये आपके देखो सारी चीजें आ गई। अब जो जो आपका क्वेश्चन मार्क है उन सबको असाइन करा दो। इस तरह से असाइन टू व्यू में सारी चीजें असाइन करा दी। अब हमने अब यहां से क्या करो, उसको एनालाइज कर दो लास्ट। ठीक है अब इसकी व्यू आउटपुट फाइल चेक करो। यहां से स्टील डिजाइन पे जाओ तो देखो आपका ये सेक्शन दिखा रहा है। अरे और ये आपका पास है वैल्यू, ये आपका एंगल है, ये भी सर। ये वार्निंग क्या आ रहा है सर? वार्निंग क्या दे रहा है देखो, पढ़ो। द सेक्शन ऑफ द नंबर वन इज सिलेंडर अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 3.5.2.1। उसके लिए आपको स्टील कोड में IS 800 के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि उसमें ये क्लॉज है क्या। ठीक है और ये है IS 800, इसके अकॉर्डिंग विथ टू थिकनेस रेडियस जो है वो कंप्रेशन में आपका 16 से ज्यादा एक्सिट कर रहा है। अगर ये अंदर आ जाए तो फिर आपका ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है हाँ सर। बाकी का देखो आपका ये एंगल पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, सिर्फ जहाँ पे आई सेक्शन आपका लग रहा है वहीं पे ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी। बाकी तो देखो सब में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब पास है। हाँ सब सही है सर। अब क्या करो, जैसे कि मान लो कि अगर ये नहीं ले रहा है तो इसकी जगह हम दूसरा कोड यूज करते हैं। चलो 800 ये कर लेते हैं 2007। हाँ और इसमें भी FYLD ऐड करा देते हैं आपका। क्लोज कमांड में ऐड, फिर आपका मेंबर टेक ऑफ, सेलेक्ट और टेक ऑफ। तो दो बार हमने वैल्यू लगा रहे हैं इसमें तो दो दो चीजें आई जाएंगी, इसमें दोनों का अलग अलग दिखाएगा। तो हो सकता है एरर भी दे दे क्योंकि हमने एक के ऊपर एक लगा दिया है। पहले को हमें डिलीट करना चाहिए था फिर दूसरा लगाते। ठीक है देखते हैं क्या आता है एरर।
और नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, बट आएगा ही सर, दो कोड एक साथ थोड़ी लेगा सर। देखते हैं, हो सकता है दो बार एनालिसिस कर दे, दो बार ही दिया उसने। दो बार कर दिया है, दो बार। एक रिजल्ट आपको दिखाएगा IS 800 का कोडिंग, उसकी वार्निंग भी तो देखो डबल हो गई। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, ये कह रहा हूँ उसने देखो दो बार डिजाइन कर दिया उसको, दो बार आ गया ना। हेलो 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 सर, देख रहा है इसमें देखो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको करते हो तो वही चीज आ रही है देखो इसमें। अवॉर्डिंग डिजाइन ऑफ द सेक्शन ऑफ मेंबर वे इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस कोड। उस कोड के अकॉर्डिंग तो वो ले ही नहीं रहा सर। हाँ डिजाइन इसमें तो सारे ही फेल हैं आपके इस अकॉर्डिंग में, तो इस कोड में तो। ठीक है, अच्छा सर, जब ज्यादा वार्निंग आने लगे तो सर हम कोड चेंज करके भी देख देख लेना सर, देख हाँ सकते हैं कि बिल्कुल देख सकते हो। हो सकता है उस कोड से ले लेना। नहीं ये सिर्फ सेक्शन के इसमें स्टील के केस में ही कर सकते हो आप, ये सिर्फ आप स्टील के केस में ही कर सकते हो। कंक्रीट का तो आपके पास में इकलौता कोड है क्या सर? कंक्रीट के केस में तो आपके पास एक। हाँ सर बताओ। में अभी नहीं, अभी कोई डाउट नहीं है ना? प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कर लेना, फिर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है, नहीं ये था आपका क्या कंक्रीट डिजाइन, ओ स्टील डिजाइन सॉरी। अब आपने जैसे कहा था कि भाई मुझे क्या सीखना था, ब्रिज डिजाइन, और वो आपको मुझे बताना था, मैंने आपको प्रॉमिस भी कहा था किया था राइट। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ऐड करके फिनिश करके। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ये 16 लेनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले हमें ब्रिज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या हो गया? तो यहाँ से आपने चार चार फिट की लेन बना दी इसमें, इस तरह से। ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया हमने, ट्रांसलेशन रिपीट, वो भी जेड डायरेक्शन में, और तीन बार, और डिस्टेंस दे दिया 25, लिंक स्टेप कर दिया और ओके कर देते हैं। हो गया। अब इसमें नोड सिलेक्ट करता हूं, ये वाली नोड, ये वाली नोड, ये फिर ये, 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 और इनके नीचे कॉलम लगा दूं, और यहां से इसको ट्रांसलेशन रिपीट कर दिया वाई डायरेक्शन में, और डिस्टेंस दे दिया माइनस का 10, लिंक स्टेप और ओके, कॉलम भी बन गया देखो आपके। तो ये इस तरह से आपकी ज्योमेट्री होगी कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब आपका क्या क्या बचेगा इसमें? इसमें ट्रस लगाना बचेगा। क्या चीज? हेलो, प्रॉपर्टी लगाना सबसे पहले तो। हाँ सर, ट्रस लगाना बचेगा। प्रॉपर्टी लगाएंगे, लोड लगाएंगे, इसी तरह से तो सारी चीज। सर आवाज बहुत, सर आवाज बहुत आपका कट कट के आ रहा है सर, बहुत ज्यादा। एक मिनट मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। अरे सर, इसमें म्यूट होने के लिए एक मिनट रुको तो फिर है, क्योंकि आज सुबह से नेट आ भी नहीं रहा था, जैसी क्लास लेने बैठा तो इत्तेफाक से आ भी गया।
बस सर ये भी ब्रिज भी मुझे लगता है कि सर आधे घंटे में खत्म हो जाना है सर इसको भी। हाँ हाँ मोस्टली अगर देखते हैं एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगता है बस। अच्छा सर ये यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग के बगल में स्टील डिजाइन दिया है, अब हम चाहें तो सर इससे भी डिजाइन कर सकते हैं? इससे नहीं होगा, उसी से हो पाएगा। ये क्या सर स्टील डिजाइन? ये इंटरेक्टिव स्टील डिजाइन होता है, जैसे उसमें आरसीसी वाला होता है कि नहीं, उसी तरह से। अच्छा हेलो। हाँ हाँ बोलो। चलो बोल रहा हूँ सर कि जैसे सर कंक्रीट डिजाइन करते थे वैसे ही सेम स्टील डिजाइन वैसे ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब स्टार्ट करें? ठीक है सर उसे भी। हाँ सर अब स्टार्ट करते हैं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है तो अब सबसे पहले हमारा काम होता है कि नीचे के सपोर्ट लगाना और यहाँ से हम टनल। हाँ बोलो सर। इसको एक बार और बताइए, स्क्रीन चली गई। किस चीज को? ये फिगर बनाना? हाँ। ये नहीं बना पाओगे क्या कहते हैं सद्दाम? हाँ। कितनी तो इजी है, बस मैंने एक लाइन खींचा सबसे पहले चार चार के डिस्टेंस पे 16 की, फिर उसको जेड डायरेक्शन में मैंने वो कर दिया ट्रांसलेशन रिपीट, और फिर ये वाले नोड सेलेक्ट करके इसको वाई डायरेक्शन में -10 के डिस्टेंस पे कर दिया नीचे की तरफ। अब यहाँ से सपोर्ट में गए और यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं पिंड सपोर्ट और ऐड करा देते हैं, राइट। और नीचे इन पे सेलेक्ट कर लेते हैं नोड्स को और असाइन करा देते हैं। तो ये आपकी लग गई इसमें क्या पिंड सपोर्ट। अब इसमें जाना है हमें ज्योमेट्री में और जनरेट सरफेस मैश पे, ठीक है। और इसमें आपको इन कॉर्नर्स को सेट कर लो सबको। हो गया, क्वाड्रिलेटरल चूज करो यहाँ से, ओके करो। तो देखो ये 16 की जो है लेंथ उसमें 16 डिवीजन दे दो, और जो 75 की है उसमें 75 दे दो, यानी कि एक एक मीटर पे डिवीजन आएंगे इसके। हाँ भाई सही है, गलत है? और इसको कर दो क्या अप्लाई। अब देखो ये आपका सिलेक्ट हो गया, मैचिंग हो गई कि नहीं? हाँ सर हो गई मैचिंग। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दें। हाँ सर। प्रॉपर्टी के लिए क्या करें, देखो हमारे पास में कॉलम है। सबसे पहले तो कॉलम है ना आपके? हाँ सर। तो कॉलम के लिए हम सर्कुलर कॉलम ले लें। सर्कुलर कॉलम? हाँ कंक्रीट के सर्कुलर कॉलम। तो यहाँ से सर्कुलर ले लिया और इसमें डिस्टेंस दे दिया है 1 मीटर का, ठीक है, और ऐड करा दिया। और उसके बाद में आपका आता है इसमें क्या बीम के लिए। बीम के लिए हम ले लेते हैं रेक्टेंगुलर और 500 mm का, आधा मीटर का, ठीक है, दोनों तरफ ऐड करा देते हैं। अब बच्चे ये अपने इसमें प्लेट थिकनेस, प्लेट थिकनेस इसमें से ले लेते हैं हम कितना 300 mm, काफी है। तो हमारे पास तीन चीजें थी, तीनों के लिए ले लिया, ठीक है। अब असाइन करा दे, सर्कुलर लिया हमने किस पे लगा दिया सर्कल्स इन पे, और इसको असाइन करा देते हैं। ये हो गया रेक्टेंगुलर आपका पैरेलल टू एक्स आएगा और पैरेलल टू जेड,
और इन पे असाइन करा देते हैं, ठीक है ये करा दिया, और प्लेट थिकनेस असाइन टू प्लेट करा देते हैं, ये हो गया आपके। देखो अगर आप इसको देखते हो तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको इजी लगा ही होगा क्योंकि इन चीजों से आप पहले से ही क्या हैं, फैमिलियर हैं। अब इसमें लगाना पड़ेगा लोड, लोडिंग में जाते हैं तो सबसे पहला लोड आप यहाँ से कौन सा लेंगे, सेल्फ वेट या डेड लोड। डेड आपने चूज कर लिया, और इसमें तो लाइव लोड भी लिया, लाइव लोड भी नहीं आएगा, अब आपकी आवाज कट रही है, ठीक है। बोल रहे हैं कि जैसे सर लाइव लोड उसके लिए लेते हैं सर, कि कोई भी प्लेट पे कितना लोड जा रहा है, कितना इसके नहीं वो हम लोग इसको लगाएंगे, व्हीकल लोड लगेगा इसमें, उस तरह से लाइव लोड नहीं लगता है, इसमें व्हीकल लोड लगता है। तो हमने सेल्फ वेट के साथ इसको करा देते हैं एड क्लोज, ठीक है, और एनालाइज। पेन पेपर लेके बैठे हो कि नहीं? पेन पेपर है सर, ठीक है। तो देखो ये आपका एनालिसिस होगी इसकी, अच्छा। अब जाते हैं, इसको क्लोज करने के बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले नोड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इसमें समरी में जाते हैं तो यहाँ से देखो मैक्सिमम लोड डिस्प्लेसमेंट कौन सी भी नोड में हो रहा है आपका, वाइट ये वाली में, कौन सी नोड है ये, 1101 नोड करो, हेडिंग डाला नोड डिस्प्लेसमेंट 1101, क्या लिखा 1101, हाँ नोड डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है आपका, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आ रहा है, और नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, नेगेटिव रेस्पॉन्स नोट कर लिया, हाँ। कर लिया ना दिव्यांशु, नोट किया कि नहीं, हाँ सर, ठीक है। अब आते हैं बीम पे, तो इसमें हाँ। अभी समरी पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखो सबसे ज्यादा किस पे आ रहा है, इस पे हाँ। नहीं इसमें नहीं आ रहा है, आ रहा है आपका इस पे आ रहा है, FI में देखो सबसे ज्यादा इसी में तो आ रहा है, हाँ इसके नीचे भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, ये लिख लो 1900 लिखो, बीम एंड फोर्सेस में लिखो, नोट करो बीम नंबर 37, ठीक है, बीम नंबर 37 और एफएक्स में फोर्स लग रहा है, इसमें लग रहा है एफएक्स में, नोट कर लिया, और पॉजिटिव है। फिर आपका आता है इसमें नोड में ही आपके सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, इसमें भी समरी देखो आपका सपोर्ट रिएक्शन में सबसे ज्यादा किस पे आ रहा है, FY पे ही आ रहा है, और इसमें से कोई सी भी ले लो, 22 ले लो भले ही, ठीक है, 22 चूज कर लो नोट नंबर, इसे भी नोट कर लो, हाँ हाँ नोट कर लिया, हाँ सर, कोई डाउट,
इसमें भी एफ एक्स में आ रहा है, सॉरी एफ वाई में आ रहा है, इसमें पॉजिटिव और नोड नंबर 22। अब प्लेट के केस में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नोट करके रखना, आगे हमारे काम आएगा। इतना करने के बाद में अब आपको चूज करना है यहाँ से। लेकिन यार हम यहाँ पे एक गलती कर चुके हैं, ब्रिज डेक यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ आ रहा है। हाँ सर। हाँ। ये काम नहीं करेगा। क्यों सर? बता रहा हूँ। ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। एड बीवा, अब इसको ऑन करो। आया? अब इस पे क्लिक करो, देखो आ गया आपका स्टेट बीवा खुल के आ गया। ठीक है, बोलो भाई। हेलो। हाँ दिव्यांशु। हाँ सर, भाई आवाज स्क्रीन चली गई थी अचानक से। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, ब्रिज डेक को एक्टिवेट किया था। यहाँ पे आपने ब्रिज डेक पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद में फिर आप यहाँ डेक पे गए। नहीं, पहले गए मोड में और यहाँ से आपने चूज किया ब्रिज डेक प्री प्रोसेसर। उसके बाद में फिर आपको डेक जाना है, डेक पे जाके क्रिएट डेक कर लेना है। और उसके बाद में लोडिंग में जाके इन्फ्लुएंस सर्विस जनरेटर हो रहा है, जो ये प्रोसेस चल रही है। ठीक। इसी में टाइम लगता है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। डेक में जाना है और डिफाइन रोडवेज और यहाँ पे न्यूज में डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम कस्टम में जाएंगे सीधे। कस्टम में जाने के बाद में आपको यहाँ पे वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी। वैल्यूज में आपको क्या डालना पड़ेगा, जैसे कि आपकी लेन वन है, ठीक है, और एक्स में आपने वैल्यू डाल दी यहाँ पे 2, और जेड में यहाँ पे ये आपकी विड्थ कितनी है 4। तो देखो आपकी ये यहाँ पे बन रहा है येलो कलर का हल्का सा, और यहाँ पे ओरिएंटेशन अगर आप दे दो 90 का, तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया वो ओरिएंटेशन। और लेंथ आपकी कितनी आएगी, 75, क्योंकि आपकी टोटल लेंथ तो 75 है। तो देखो ये येलो कलर की पट्टी पूरे पे आ गई। हाँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक तो x की वैल्यू दी है 2, और विड्थ दी है 4, और ओरिएंटेशन कितना दिया है 90 का, और लेंथ दे दी हमने 75। तो इस तरह से आपको इसमें एक लेन बन गई। अब क्या करना है आपको, एड लेफ्ट लेन पे क्लिक करना है। तो एक और आगे देखो, तो इसमें ऐसे ये वैल्यू तो देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई आपकी, 2 से 6 हो गई। ओरिएंटेशन दे दो 90 और ये दे दो 75। तो आपको कितनी बार करना पड़ेगा ऐसे, 4 बार, क्योंकि आपकी 4 मीटर की 4 लेन बनेगी। अब ये लास्ट और बना देता हूँ 75। ठीक है, अब इसको कर दूं मैं यहाँ से अप्लाई। इसको अप्लाई करने के बाद में और इसको कर देता हूँ मैं ओके। देखो मेरे बन गए
लाइन बन गई। अब मुझे जाना व्हीकल डेटाबेस में, आपका व्हीकल और डेटाबेस, ठीक है। वो अब आपको पता होगा जब आपने बीटेक में पढ़ा होगा अपना, इसमें हम कौन सा लेते हैं, आईआरसी चैप्टर 3 लेते हैं, 70R। क्या लेते हैं? आईआरसी 70R। हाँ, तो आप यहाँ से 70R दिख रहा है आपको, देखो ये लोड दिख रहे हैं आपको, ये आपका जैसे कि व्हीकल का फ्रंट क्लियरेंस, रियर क्लियरेंस, व्हीकल के वेट, एक्सल्स, ठीक है, कितनी फोर्स आ रही है, लेंथ किसमें, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं। तो आप यहाँ से ये वाला व्हीकल ले लें और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से आप लोडिंग में जाओगे और यहाँ पे है रन लोड जनरेटर का ऑप्शन, क्लिक करो और यहाँ से चूज कर लो आपका अल्टीमेट, और यहाँ से चूज करो आपका आईआरसी चैप्टर 3, पढ़ा होगा आपने ये। अब इसमें ये वैल्यू दे रही है हमने, ठीक है। अब हमने वो चीजें ऐड की थी, याद हो तो आपको, जैसे कि नोड डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ हाँ, 1101 था, 1100 नोड नंबर दे दो आपको, 1101 डिस्प्लेसमेंट कौन से में था, वाई में, हाँ सर वाई में था। इफेक्ट क्या था, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव था। अच्छा, बीम एंड फोर्सेस भी हमने लिए थे, बीम नंबर कितना था, बीम नंबर एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट लिया था उसका, देखते हैं इतना क्या था। हाँ, बीम नंबर, बीम नंबर था आई थिंक 37, और ये था आपका एफएक्स में, और पॉजिटिव था याद हो शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखो जल्दी से बताओ, एक देखना सद्दाम, क्या बताओ सर, बीम वाले में बताओ, बीम वाले में क्या नोट किया था आपने, बीम नंबर, बीम में, बीम के लिए, हाँ पक्का, हाँ सर। और वैल्यू कौन सी थी, एफ एक्स थी, एफ वाई थी, एफ ऑफ वाई होगा सर, यहाँ 30 सर, बीम में 37 दे दो, 37 और एफएक्स, एफएक्स मम्मी की बात कराते हैं, 1900 पॉजिटिव था, हाँ 1900 क्या, 1900 एफएक्स में सर उसका वैल्यू दिया था 1900, ठीक है, ठीक है। नोड डिस्प्लेसमेंट हो गया, बीम हो गया, अब आता है आपका सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट में नोड कौन सी थी आपकी, तीन चीजें नोट कराई थी ना मैंने, तो मैंने दो लिखा था, वेरी गुड, रुको मैं नहीं, हम स्क्रीनशॉट लिए थे सर, एक मिनट, जा ही नहीं रहा है, ये ना ले लिया था मैं, छोड़ दिया, रुको हम बता रहे सर, एक मिनट, बीम इंड फोर्स ना सर, नहीं सपोर्ट रिएक्शन, हेलो सपोर्ट रिएक्शन, तो सपोर्ट रिएक्शन जो सबसे लास्ट में मैंने कराया था, सपोर्ट लास्ट कराया था तो 22 था, सब 22 था सर, f ऑफ x में था, पॉजिटिव में था, ठीक है, हाँ अप्लाई और ओके कर दो, बस वैल्यू हो गई, ठीक है, यहाँ कर लिया, इतना करने के बाद में आपको अप्लाई ओके कर दिया, आप कुछ नहीं करना,
और इसमें लोडिंग में जाना है और लोडिंग में जाने के इसको कर देना है क्रिएट लोड इन द स्टैट मॉडल, ठीक है, और ओके कर दो। अब आप मॉडलिंग में जाओगे और लोडिंग देखोगे, चेक करोगे ना अपनी, तो वहां पे देखो आपके ये सारे लोड आ गए आईआरसी चैप्टर 3 के, यस और नो? तो जो जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया था वहां वहां वो लग गया। अब इसको एनालिसिस कर लो आप। अब इसके आपको बीम एंड फोर्सेस और वो बेंडिंग मोमेंट्स और सब कुछ मिल जाएंगे। हो गया, देखो अब उसकी आउटपुट फाइल चेक करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो रिएक्शंस आ गए सबके जैसे नॉर्मली हम करते हैं। अब इसमें आपको देखना है क्या लोडिंग, तो इसमें क्लिक करो, देखो ये आपका व्हीकल दिख गया आपको, ये देखो तो ये व्हीकल की पोजीशन से आपके, ये देखो है कि नहीं, तो ये आपके व्हीकल की पोजीशंस हैं जहां जहां आपने नोड, मतलब मैक्सिमम के लिए अगर वहां पे पास हो गया तो मिनिमम का तो ऑटोमेटिकली पास हो ही जाएगा। हां सर, आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाकर के देखो इसका एनिमेशन क्या आता है, डिफ्लेक्शन कैसे कैसे आता है इसमें। तो देखो डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे देखा आप, देखो अब दिख रहा है वो अच्छे से, यहाँ पे आ रहा है डिफ्लेक्शन। तो ये इस तरह से आप इसमें सारी चीजें आपने करी ली। एब्सोल्यूट अगर आप मैक्सिमम ये देखना चाहते हो, ये देखो आपका आ गया जहां जहां व्हीकल है आपका वहां वहां आपका क्या स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, बाकी सब पे कुछ नहीं है। ये देखो अब आगे का काम होता है इसको क्या, एनालिसिस डिजाइन करने का, एनालिसिस ऑफ द कंप्यूटर। तो ये होता है आपका क्या डिजाइन करी करना। हाँ डिजाइन करना तो मैंने आपको बताया ही है, ISO 56 के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा आपका। हाँ सर वैसे। तो ये होता है आपका क्या ब्रिज डिजाइन, इस तरह से ब्रिज डिजाइन। अच्छा सर, इसमें अगर ट्रस वगैरह लगाना चाहे तो? ट्रस नीचे थोड़ा लगेगा, ऊपर लगेगा। हाँ अलग ही, जैसे कि अगर आप चाहते हो उसमें स्टील स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो इसमें प्रॉपर्टी की जगह मतलब कि कॉलम, एक तो कॉलम की पोजीशन चेंज हो जाएगी आपकी, कॉलम ज्यादा लगाने पड़ जाएंगे और उसमें स्टील की प्रॉपर्टी लगा दो सर। क्या लगा दो? स्टील की प्रॉपर्टी सर। स्टील की प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, यही रहता है इसमें। Okay, sir. Okay, भाई। अब इसको